यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग आए, आप सभी सब बढ़िया होंगे। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं आप सभी का फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट। और दोस्तों, जैसे आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा था, तो उसमें मैंने बनाया था अपने लिए काफी बड़ा फार्म। भाई बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यार ठीक ठाक है, उससे मेरे खाने की पूर्ति हो जाएगी। तो आज मैं अपने माइनक्राफ्ट में ढूंढने वाला हूँ अपने लिए एक विलेज। हाँ भाई, आज मैं ढूंढने वाला हूँ एक विलेज जिसमें कि मेरे को काफी सारी लूट करनी होगी। और वहाँ पे भाई मैंने सुना है कि यार एमराल्ड भी मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, आज भाई मैं सबसे पहली बार एमराल्ड को ढूंढने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फार्म को चेक करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे एक मुर्गी, अबे सुबह सुबह चिकन डिनर करेंगे और यहाँ पे बच्चे को नहीं मारते दोस्तों। तो ये देखो हमारी फसल भाई अभी ना इतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी छोटी है, तो अभी ये हमारी किसी काम की नहीं है। तो इसको छोड़ो और इसको बड़ी होने के लिए टाइम देते। और यहाँ पे चलो भाई, मेरे को ना अपने घर पे जाना होगा, क्योंकि यार मेरे को जब एक विलेज ढूंढने जाएंगे तो मेरे को टाइम का नहीं पता कि कितना ज्यादा टाइम लगने वाला। तो मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ खाना पकाने वाला हूँ, क्योंकि खाने की काफी जरूरत पड़ने वाली है। देखो भाई अभी भी मेरा पेट काफी खाली है। तो यहाँ पे चलो अपने घर में। और यहाँ पे अबे यार, यहाँ पे भाई मैंने ये चेस्ट और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल कैसे लगा रखे हैं। मेरे को सबसे पहले तो एक यहाँ पे फर्नेंस लगानी होगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से हटाते हैं। और चेस्ट तो सही है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे दो फर्नेंस है, तो मेरे पास यहाँ पे एक फर्नेंस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और दूसरी वाली को यहाँ पे। और क्राफ्टिंग टेबल को कहाँ पे रखे, क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये अपने पास दो क्राफ्टिंग टेबल है, तो एक को यहाँ पे रख देते हैं और एक को अपने पास इन्वेंट्री में रखते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से कोल को रख देता हूं और यहां पे कुछ चिकन रखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं भाई खाना पकने का। तो दूसरे वाले में भी मैं ऐसे ही करता हूं और यहां पे मैंने यहां पे लकड़ी रख दी है, लकड़ी से भी हम खाना बना सकते हैं। तो अब वेट करते हैं खाना बनने का, और भाई थोड़ी देर में खाना बन जाएगा और उसके बाद में हम चलेंगे अपने विलेज को ढूंढने के लिए। दोस्तों मुझे जरूरत है एक एमराल्ड की, और यहां पे जल्दी से मैं अपने रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूं, नहीं तो भाई क्या पता हम वहां पे जाएं और वहां पे हमारी चटनी बना दे कोई गोलम या फिर कोई ज़ॉम्बीज, सो कुछ भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने काफ़ी सारा खाना बना लिया है और यहाँ पे अपनी चेस्ट में देखते भाई मेरे पास काफ़ी सारे वेपन है जो कि भाई ख़राब है, तो मैं मतलब कि ख़राब नहीं है यार, मेरे पास यूजफुल है, तो मैं इनको यार यहाँ पे रख के चला जाता हूँ। नहीं पता, क्या पता यार मैं वापस आऊँ या फिर नहीं आऊँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मुझे नहीं पता चलता यार, मैं भूल जाता हूँ बीच रास्ते में अपने घर का रास्ता। सो यहाँ पे मैं अपने सारा सामान यहाँ से निकाल लेता हूँ अपने फर्नेस से। और यहाँ पे मैं इसमें दो भाई मेरे पास ना यहाँ पे भी थोड़े से कोल रहने चाहिए, क्योंकि क्या पता वहाँ से भाई फिर मिले ना मिले। तो चलो यहाँ पे चलते हैं अपनी भाई। अब मैं ना क्या करने वाला हूँ, मैं ना अपने घर के पीछे जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ना इस साइड में मैंने ऑलरेडी यार जा चुका हूँ थोड़ी दूर, और वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा था। और ये देखो भाई, ये गाय क्या कर रही है इसके अंदर, अबे भाई तू बोर्ड चलाएगी क्या? तो क्या करिए, इसको बाहर निकालते हैं। अबे यार कभी गाय ना मर जाए। अबे सिट, ओ ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, भाई गाय को मार दिया यहाँ पे। अबे सिट यार। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक फसल बड़ी भी। अबे यार ये क्या, इसका तो मुझे सीड ही मिला और तू मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्या दोस्तों मुझे कुछ मिला है यहाँ पे? अबे नहीं भाई, मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे भाई रात होने वाली है, तो चलो सबसे पहले मैं अपने घर में यहाँ पे सबसे पहले अपनी फर्नेस रखते मैं भाई क्राफ्टिंग टेबल, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे अपने लिए एक बेड बनाते हैं, क्योंकि बेड भी भाई काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि नहीं पता है कब रात हो जाए बीच में। सो चलो ये रात तो हम अपने घर पर ही काटने वाले हैं, और यहाँ पर अपने घर पर चलते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने विलेज को ढूंढने के लिए। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट, क्या पता क्या होने वाला गाइस आगे। सो जाते हैं यहाँ पे और फिर चलेंगे हम अपने विलेज को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों हो चुके हैं सुबह, और यहाँ पे मैं एक बार अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि यार नहीं पता क्या होने वाला है। सो अपने घर को भी मैंने यहाँ से बंद कर दिया और चलते हैं आप यहाँ पे सामने। अरे यार आगे तो मेरे को समंदर ही दिख रहा है, मेरे को नहीं लगता कि इस साइड में मेरे को कुछ मिलने वाला है, लेकिन यार हम ट्राई करते हैं, क्या पता भाई कुछ मिल जाए। तो देखते हैं क्या होने वाला है, सारा एडवेंचर आज होने वाला है। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, और सामने एक पिग है, तो अबे यार पिग का ना हम यूज कर सकते हैं, क्या पता है बीच में भूख लगे यार ये पिक काम आ जाए। तो भाई मैंने तेरे को मार दिया, सॉरी यार मेरे को भूख लगेगी ना तो मैं तेरी मीट खाऊंगा बना के। सो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने लिए, एक बोट भी है भाई मेरे पास, बोट है ना, तो मैं बोट का यूज करूंगा ना पानी में बोट कितनी स्पीड में चलती है। तो ये देखो भाई क्या है, मतलब लैम्बोर्गिनी को भी माफ करिए। तो चलो अपनी बोट को यहाँ से लेके चलते हैं और आगे चलते हैं जहाँ पे मेरे को, क्या मेरे को इस साइड में जाना चाहिए? नहीं, मेरे को, ओ भाई मेरे को
सामने कुछ दिखा। अबे यार ये क्या सच में है? अबे भाई यार मैं तो अपने घर से निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने आज का एक विलेज। ओ भाई मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा कि यार क्या ये सच है या फिर नहीं। देखो यार मैं उस साइड से यहाँ से आया था और जस्ट थोड़ा सा निकला अपने घर से और यहाँ पे मेरे को विलेज भी मिल गया। भाई यार क्या ही किस्मत है यार, आज तो मजा आ गया। और यहाँ पे भाई काफी सारी पिक गए और मेरे को यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, रोस्टेड भाई, रोस्टेड बोलते हैं या फिर क्या भाई नहीं पता, छोड़ो इसको। यहाँ पे मेरे को ये मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को इसका नाम नहीं, अरे हाँ याद आया इसका नाम है रोटन फ्लैश। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे हैं और ये भाई यहाँ पे किसने खेती उगा रखी है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इन घरों के अंदर, यहाँ पे चेक करते क्या यार इनके पास चेस्ट में कुछ। अबे है, है भाई यार यहाँ पे, अरे यार इसके पास तो सिर्फ एक ब्रेड है और यहाँ पे ये पम्पकिन के सीड। अरे क्या भाई क्या बात है यहाँ पे, क्या पता हम अपना फार्म बना ले पम्पकिन का, तो हो सकता है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे इस विलेज को छानते हैं कि यार यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक और मेरे को मिली। ओ भाई यार यहाँ पे ये देखो तुम, यहाँ पे मेरे को मतलब कि ओ ये कौन है? अबे निकल यहाँ से, चलो इसको जल्दी से मारते। भाई यार इसने मेरे को डैमेज दे दिया बहुत ज़्यादा, तो इसको मारना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को अपनी तलवार लेनी पड़ेगी। ओ ओ भाई भाई देखो सिर्फ 4 HP बची थी और यहाँ पे एक और आ गया ये ज़ॉम्बी, इसका नाम क्या है, ज़ॉम्बी विलेजर होंगे। हाँ मेरे को लगता है कि यार ये ज़ॉम्बी विलेजर ही थे। तो सबसे पहले अपने भाई घर को बंद कर दे, नहीं पता यार क्या पता और भी सारे आ जाएं। तो इस साइड से बंद है और यहाँ पे ये देखो दोस्तों, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैंने पहले ही दिन भाई अपने पहले ही दिन विलेज को ढूंढने के लिए निकला और यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे एमराल्ड मिल गए। तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ अपने यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं इसको चेस्ट को। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 4 एमराल्ड। ओ भाई एकदम ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि यार यहाँ पे इतने सारे एमराल्ड और यहाँ पे पोटैटो और ये पम्पकिन के और ये ओक है। तो इसको जल्दी से कलेक्ट करते भाई। यार आज तो भाई पूरा लक्की दिन है यार, आज तो मजा आ गया। एक तो स्टार्टिंग में हमें एक काफ़ी अच्छा विलेज मिल गया यहाँ पे भाई अपने घर से निकलते, उसके बाद में यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में यार इतने सारे एमराल्ड मिल गए जो कि सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ है अपनी माइनक्राफ्ट में। तो यहाँ पे चेक करते। ओ ओ भाई सिट यार आज क्या हो रहा है दोस्तों, मेरे को लगता है कि यार आज तो मेरी लोटरी लगने वाली है। यहाँ पे देखो मेरे पास कितने ज़्यादा एमराल्ड हो चुके हैं, 6 एमराल्ड भाई, इतने ज़्यादा मतलब कि यार 6 कम नहीं है भाई, 1 एमराल्ड मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यहाँ पे आज तो भाई पूरा दिन ही बन गया, मेरे को काफ़ी सारे एमराल्ड मिल गए और यहाँ पे एक बिल्ली भी डोल रही है। तो यहाँ पे इसको जाने देते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर इस घर में, क्या पता इस घर में भी कुछ मिल जाए। यार ये तो पहले से ओपन है और यार भाई भाई इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ो यार यहाँ से। तो चलिए बंद करते हैं। और भाई यार ये तो गरीब आदमी लगता है मेरे को, तो इसको छोड़ो। यहाँ पे चलते हैं इस घर के अंदर, यहाँ पे तो भाई 2-2 दरवाजे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होना चाहिए। अरे यार इस घर में तो भाई चेस्ट ही नहीं है, मैंने तो सोचा था यार इसके अंदर मेरे को काफ़ी सारे एमराल्ड मिलने वाले हैं क्योंकि यार यहाँ पे डबल सिक्योरिटी है, तो भाई कुछ तो खास होना था ना इसके अंदर। और यहाँ पे ये क्या है भाई, कैटेग्राफी टेबल, क्या यूज है इसका भाई मेरे को नहीं पता। तो भाई ये कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ है, तो इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। और क्या, अरे भाई मेरे को लगता है कि ओ यार सबसे पहले तो इस पप्पी को क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको यार ये पिक को मार दिया। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई डबल मंजिल है, तो लेकिन मेरे को इसका ओ ये रहा ना भाई इसको ऊपर जाने का, तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं। अबे जा क्यों नहीं रहा, ये लीजिए आ चुके। और यहाँ पे मेरे को ये पोटैटो, और ये क्या है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहे दोस्तों, ये है क्या अननोन मैप, क्या भाई इनके अंदर क्या होता है मेरे को नहीं पता। तो ये सारे के सारे हम कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे को पेपर भी मिल चुका है, तो ये सारे के सारे हमने कलेक्ट कर लिए। अब चलते कहाँ पे भाई, रास्ता तो नीचे चलते हैं और इसके घर का गेट बंद करिए कर देते हैं भाई कुछ। यार ये काम कर रहा था मेरे को भाई, ऐसे कोई इसको आके ना परेशान ना करे, इसलिए मैंने इसका घर भी बंद कर दिया। तो चलो अब हम यहाँ पर चेक करते, यहाँ पर भाई मेरे को काफ़ी सारी लकड़ी मिल चुकी है और थोड़े से पम्पकिन के सीड और मिल गए हैं। तो अब चलते हैं इस घर के अंदर और यहाँ पर, अबे यार इसके अंदर मैं आ चुका लगता है, तो इसको बंद करते हैं यहां से। और ये आग, ओ शिट गाइस यार ये क्या हो गया भाई, मेरे आग लग चुकी है, तो मेरे को यहां से निकलना पड़ेगा। और पानी, पानी ढूंढो भाई, पानी है कहां पे? अरे फाइनली यहां पे देखो भाई मेरी कितनी ज्यादा हेल्थ कम होगी और यहां पे अब मेरे को पानी मिला है, लेकिन यार यहां पे अब तो मेरी। और ये क्या है, मेरे को लगता है गाय की वही है जिससे कि हम अपने फार्म पे किसी विलेजर को हम बुला सकते हैं इसकी मदद से, यानी कि ये जॉब देने के काम करता है। तो इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये चाहते हो भाई कितने सारे पोटैटो। और यहाँ पे ये क्या है भाई, ये पम्पकिन का क्या चीज़ है, तो इसको कहाँ पर रखे कहाँ पर रखे मेरे को, क्या यार ये काम की चीज़ है या फिर नहीं है? तो भाई रोटन फ्लैश तो नहीं थी, लेकिन यार ये काम की चीज़ है, हो सकती है भाई, मेरे को पता नहीं कि क्योंकि यार इसका यूज़ मैंने अभी तक किया नहीं है।
और चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और बारिश भी आना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, मेरे को लगता है कि मौसम भाई ज़्यादा ही ख़राब होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इस घंटी को बजाते हैं। ओ भाई क्या ही मस्त घंटी बज रही है। और ये एक और अंडरग्राउंड घर यहाँ पे, ये मस्त घर है। और यहाँ पे भी यार मेरे को पोटैटो ही मिल रहे हैं। मेरे को यार एमरल्ड चाहिए भाई, करीब 10-15 एमरल्ड तो करवा दो। सिर्फ 6 एमरल्ड हुए अभी तो मेरे पास, लेकिन यार ये भी तो काफ़ी सारे हैं भाई। फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में यार मेरे को इतना ज़्यादा मिल गया। और ये क्या कर रहा भाई, इसको ओपन करते हैं। अबे यार लकड़ी पर रख के भाई, चेस्ट में लकड़ी कौन रखता है यार, तो अपनी लकड़ी को बाहर निकालो। और यहाँ पे मेरे को कुछ ट्री मिल रहे भाई, यार ये तो मेरे को पता है नहीं कि ये है होते क्या हैं, तो मेरे को इसका घर बंद करते हैं। और यहाँ पे बारिश भी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी घर के अंदर जाके सो जाता हूँ। और ये क्या है भाई, ओ भाई ये स्टोन कटर है क्या, इससे हम स्टोन को काट सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मेरे को नहीं पता कि इसका क्या यूज़ है, कैसे क्या करना है। और यहाँ पे घर को बंद करो। और यहाँ पे बारिश जोरों से हो रही है भाई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पे चलते हैं इस घर में। और क्या मेरे को यहाँ पे सोना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और घर है, तो मेरे को ना भाई इतना कुछ खास नहीं मिल रहा, पर स्टार्टिंग में तो भाई क्या ही मस्त चीज़ें मिली थी, एकदम ओपी ओपी। और यहाँ पे मेरे को गाइस मिल चुके हैं 2 आयरन के इंगिट। यार इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन यार आयरन है तो भाई कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही ना, तो हम इसका यूज़ आगे देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। और अब मैं ना सो जाता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और यहाँ पे रात भी होने वाली है। और मेरे को नहीं पता कि यार यहाँ पे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ गए ना, तो भाई मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा पाऊँगा। और यहाँ पे मैंने मतलब कि मैं सीधा भाई वहीं पे जाके रिस्पॉन हूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे कोई ओपन। ओ यार ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज के बच्चे, भाई इसने मेरे को हिट मारा। और यहाँ पे स्केल्टन, ओ शिट गाइस, अबे यार ये क्या हो गया, मेरा सारा का सारा सामान बाहर रह गया। और यहाँ पे ये ज़ॉम्बीज और स्केल्टन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और सामने पड़ा है मेरा सारा सामान। जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं, मेरी ये क्या बोलते हैं इसको, बकेट मिल गई। और यहाँ पे सारा सामान, और ये भाई ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए यहाँ पे, भाई मेरे काफ़ी सारा सामान है। और यहाँ पे ये दोबारा से आ गए भाई, दिन के टाइम में भी यार ये छोड़ नहीं रहे। तो चलो अब एक बार दोबारा चलते हैं यहाँ पे। भाई मैं अपना एमरल्ड, भाई यहाँ पे एमरल्ड पड़े थे यार। ओ ये अभी रुक, अभी यहाँ पे मैंने इसको मार दिया। और यार इसकी हेल्थ ना काफ़ी थोड़ी थी, नहीं तो ये मेरी बैंड बजा देता यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी सारा सामान उठा लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना अभी भी थोड़ी स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे मेरे को क्या हटाने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जितने भी सारा फालतू सामान है, जैसे कि हड्डी, एरो उरो, जितने भी सारे, ये पंपकिन का क्या है यार, ये मेरे को नहीं पता इसका क्या यूज़ है, लेकिन यार मैं इसको यहाँ से फेंक देता हूँ। फिर दोबारा से यहाँ से ले लेंगे भाई, ले लेंगे तो कैसे यार, मैं नहीं आने वाला यहाँ पे दोबारा। तो जल्दी से अपने सारे के सारे सामान उठाते हैं। यहाँ पे एक चिकन डोल रही है, तो इसको मार या फिर नहीं छोड़ो। चलो गाइज अब चलते हैं अपने घर की वापस, मतलब कि क्योंकि यार यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिए, और मेरे को नहीं लगता कि इस विलेज में और कुछ सामान मेरे को ऐसा कुछ मिलने वाला। और यहाँ पे एक मैप भी है, तो मैप का यूज हम घर जाके करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो क्या पता यार इससे हमें कुछ खजाना मिल जाए यहाँ पे इस मैप के अंदर, क्या पता, नहीं पता भाई, कुछ ट्रेजर हंट हो यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें। और यहाँ पे ये देखो मेरे को पोटोटे मिल गए, यहाँ पे काफ़ी सारे पोटोटे हैं, तो इनको जल्दी से यहाँ से इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पे खाने में भाई काफ़ी काम आने वाले हैं, और क्या पता यार इनसे हम अपना फार्म भी बना लें। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पोटोटे इकट्ठा कर लिए। और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे हो चुके, 20 से ज़्यादा हो चुके यहाँ पे। और जितना भी फालतू सामान है जैसे स्टिक उस्टिक, मैं सारी यहाँ पे फेंक देता हूँ। और इनको जल्दी से यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और एक छोटा गाय का बच्चा भी था यहाँ पे, तो उसको हम नहीं मारने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं मारता भाई गाय को। तो यहाँ पे जल्दी से सारे के सारे सामान बाहर फेंकते हैं और यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मेरे को क्या एक और चीज़ चाहिए, यहाँ पे मेरे को जो आग जलाने वाली चीज़ होती है ना, जैसे कि ये रहा भाई, मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना, ये तो छोटे वाले हैं, तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं भाई। ये मेरे को ना सीड काफ़ी काम आने वाले हैं, अपना फार्म हम यदि बड़ा करेंगे ना तो उसमें ये सारे के सारे लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं जल्दी से इन सभी को कलेक्ट करता हूँ। और क्या यार मेरे को यार ये जो आग जलाने का काम है ना, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ। क्या पता हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं। और ओ भाई ये क्या हो गया यहाँ पे, अरे ये क्या चीज़ें मिल गई मेरे को, एक बार इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है ये। चारकोल है भाई, इस चारकोल का मैं क्या करूँ यहाँ पे,
अबे सीट यार, मेरे को भाई पूरा का पूरा वो आग वाला सिस्टम चाहिए था, लेकिन ये न जाने क्या ही हो गया। तो खैर छोड़ो इसको, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मेरे को टॉर्च मिली थी, इनको भी मैं यहाँ से ही कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे विलेजर है, तो इनका हम अपने ना सिटी में लेके चलेंगे यहाँ से, इनको पकड़ के ना अपने पास। और यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है, मेरे को भाई इससे डर लग रहा है। तो मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं अपनी बोट को लेके दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यार नहीं पता, क्या पता यार ये मेरे ऊपर अटैक कर दे। और दोस्तों आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा लक्की रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा एमरल्ड मिल गया, उसी के साथ मेरे को खाने की सारी चीज़ें मिल गई, मेरे को आयरन इंगेट मिल चुके और भी अननोन मैप मिल चुके। भाई क्या पता उनमें कोई ट्रेजर हो, मतलब कि कुछ खजाना छिपा उनके अंदर, क्या पता हम कुछ चीज़ें निकाल लें। तो नहीं पता मेरे को क्या होने वाला, लेकिन आज का दिन ना काफ़ी अच्छा रहा। मेरे को एक पंपकिन फार्म भी बनाना होगा, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे सीड आ चुके हैं, तो उनका यूज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी इसको बोट को यहाँ से लेते हैं। और क्या, अबे यार ये नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इसको छोड़ो यहाँ पे, चलो अपने घर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे सारा सामान हम अपनी चेस्ट के अंदर रख देते हैं। सो चलो इसको ओपन करते हैं यहाँ से। और ये लीजिए गाइस, जल्दी से इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे सारा सामान इसके अंदर मैं जल्दी से फील कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यहाँ पे कुछ अपने लिए खाना भी पका लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ खाना पका लिया, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं, और अब ये खाना काफ़ी जल्दी पक जाएगा। सो आई होप गाइस, आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी लगेगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि तुम पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं गाइस यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।